Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Digital Office at Vedantu. कैसे चल रही है जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? As requested on our popular demand, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर CBSE क्लास 12 का पेपर दिखने कैसे वाला है ना? तो यार पैटर्न जो है वो आप जानते हो कि भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसे सेक्शन ई करके आपके पास ऐसे पैटर्न होते हैं. सेक्शन ए में MCQs होते हैं, सेक्शन बी 2 मार्क, सेक्शन सी 3 मार्क, सेक्शन डी आपका 5 मार्क, सेक्शन ई आपका केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क. ये पैटर्न आप जानते हो, लेकिन पेपर का डिजाइन किस पर्सपेक्टिव में होता है, कितने सवाल मेमोरी बेस्ड, कितने सवाल एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. और आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं आपको. छोटा सा वीडियो होने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखना. अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वापस नीटेक चैनल पे आते रहना. चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? चलो भाई, तो अगर आप देखोगे ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये आपका सीबीएसई का ऑफिशियल पीडीएफ है. आप देख सकते हो cbseacademy.nic.in, ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां सर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. आप सिंपल गूगल में सर्च कर लीजिए सीबीएसई क्लास 12th लेटेस्ट सिलेबस, सर्च करोगे सिलेबस के पीडीएफ में ये मेंशन है एट द एंड, बट अंत तक दिखता कौन है ना. चलिए मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे लिए आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. तो ये 70 मार्क्स का पेपर है. 70 मार्क्स के पेपर में 3 घंटे का आपको मिलेगा वक्त. अभी 70 मार्क्स के पेपर में आपको कितने मार्क्स के पेपर डायरेक्ट सवाल के आने वाले, देखो ध्यान से, ठीक है? जो आपका पहला पार्ट है वो है रिमेम्बरिंग टाइप अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये है आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको याद करके सीधा मगअप करके लिखना होता है. जैसे कुछ लॉज हो जाते हैं, एवोगाड्रोस लॉ हो गया, लॉज ऑफ मोशन के लॉज हो गए, गॉस लॉ हो गया, ऐसे जो लॉज होते हैं ना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद करे लिखने होते हैं, अंडरस्टैंड करे लिखने होते हैं, ये है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताए गए कि आपके पेपर में 38% होने वाले हैं. 38% मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें टोटल 27 मार्क्स आपको मिलेंगे. आउट ऑफ 70 मार्क्स आपका थियरी पेपर जो होगा 70 मार्क्स का, उसमें 27 मार्क्स ऑलमोस्ट 40% आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब जो आपने याद किया आप क्या उसको अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसका न्यूमेरिकल कर सकते हो, अगर मैं आपको लॉ बता दूं तो उसको डिराइव कर सकते हो मैथमेटिकली. तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. इसमें थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंसी भी घुस जाती है, तो आप समझ सकते हो कि भाई ये थोड़ा सा है कि आपने कुछ सीखा अब करके बताओ. वैसे जो टाइप ऑफ सवाल होते हैं, रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए, जो न्यूमेरिकल्स मोस्टली सारे होते हैं, ये सारे आपके एप्लीकेशन बेस में ही आते हैं, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे 32%, 22 मार्क्स के. वो आपका था 27 मार्क्स का, ये 22 मार्क्स आपको आने वाला, यानी कि थ्योरी का पकड़ा ज्यादा है न्यूमेरिकल से. क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये समझना है हमें कि थ्योरी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू योर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस 22 मार्क्स से जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारे डेरिवेशंस और चीजें छिपे हुए होंगे, है ना? तो दी परसेंटेज ऑफ थियरी ऑलवेज इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन स्टैंड्स एट 55-60% एंड द रेस्ट 40% इज न्यूमेरिकल बेस्ड. अभी वो परसेंटेज थोड़ा और कम हो गया क्योंकि अभी कॉम्पिटेंसी भी आ गया, सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते, है ना? तो परसेंटेज ऑफ न्यूमेरिकल्स आर गोइंग टू बिट मोर लेसर, इट्स गोइंग टू बी मोर थियोरेटिकल बेस्ड. इट्स नॉट लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस ऑफ जेईई एंड नीट की सारा थियोरी होगा, नहीं, वहां न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में थियरी ज्यादा होती है, ठीक है बेटा? तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पढ़ना मत, क्योंकि मैंने लाखों बच्चों को देखा हुआ है जो थियरी में मात खा जाते हैं. पता नहीं हो तो गॉस लॉ को लिखना क्या होता है, हाँ पता है, क्यू एप्सिलॉन नॉट पता है सर, लेकिन लिखना क्या होता है पता नहीं, है ना? तो यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आती है आपकी मेजर कॉम्पिटेंसी वाली बात, यानी कि गिव रीजनिंग वाली टाइप, मतलब गिव रीजनिंग, एसेशन रीजनिंग टाइप आ गई, केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, ऐसे सवाल जो आपको एक कदम और ले जाएंगे देखने और पढ़ने में लगेगा या तो, और ये तो एकदम एब्सोल्युटली न्यू है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से एक स्टेप आगे होगा. वहां पर आपको सोच कर चीजें लिखनी होंगी. ऐसे जो सवाल होते हैं जैसे मतलब यार मैंने बता दिया आपको एग्जांपल, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एसेशन रीजनिंग हो गए. एसेशन रीजनिंग जब आप करते हो तो एसेशन रीजनिंग का जो सवाल होगा वो सवाल का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, फिर समझ में आना चाहिए कि भाई रीजन एसेशन का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं. तो वैसे सवाल इंपॉर्टेंट है. केस बेस्ड क्वेश्चन में केस दे दिया, कॉन्सेप्ट पता है, उसके सवाल कर पाओगे, वो आपका आ जाता है इस वाले सेक्शन में. तो मोस्टली कॉम्पिटेंसी का भाग है ये. तो जो 30% पे है और 21 मार्क्स के आपके आते हैं, ठीक है,
इसमें भी दोनों सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब कॉम्पिटेंसी सिर्फ इसमें सीमित नहीं है। जैसे मैंने बताया आपके एप्लीकेशन बेस में बहुत सारी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आइडियली 50% का कॉम्पिटेंसी अभी फिक्स किया गया है 12th के लिए। तो 50% आप समझ लो कि भाई इन तीनों में से सबसे ज्यादा 30% यहीं से आ गए और बाकी 20% इन दोनों में से आ रहे हैं। ज्यादातर प्रतिशत 15% में लगता है कि एप्लीकेशन बेस से आ जाएंगे और 5% कुछ मेमोरी बेस के सवाल से होंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी में MCQs भी इंक्लूडेड होते हैं ना, तो वो भी कॉम्पिटेंसी का भाग होता है, वो मेमोरी बेस से हो सकता है। बात समझ में आ गए? ठीक है, तो आपका पेपर दिखेगा कैसे बेटो? आपका पेपर दिखेगा 27 मार्क्स का पेपर होगा, जो आप याद करके गए हो वो लिख पाओगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। 22 मार्क्स का पेपर होगा कि अगर फॉर्मूलास याद है और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो न्यूमेरिकल्स कर लोगे, गिव रीजनिंग टाइप कर लोगे, ऐसे सवाल आप डेरिवेशंस कर लोगे तो बढ़िया, पूरे मार्क्स आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे भाई? 27 + 22 आपके हो जाएंगे 49 मार्क्स। क्या बात है, मजा आ गया है ना, 49 मार्क्स हो गए। ठीक है, आप फिर भी 21 मार्क्स बचा है, ये 21 मार्क्स में हमें दम लगाना पड़ेगा। But still this 21 marks will mostly go on to MCQs, assertion reasoning, case-based question and one or two subjective questions. तो मुझे लगता है कि case-based questions भी easy आते हैं, आप कर लोगे, और assertion reasoning भी अगर आपका पहला दो part clear है तो आप वो भी कर लोगे। तो it's a very easy game to get good marks in board examinations. आप बस अपने आप को confident रखो, कुछ और नहीं, बस अपने आप को confident रखो कि भाई मैं कर लेगा और मैं करेगा और हर दिन उसके ऊपर मेहनत करूँ बस। ठीक है, तो बस बच्चों मैं इतना ही कहना चाहता था आप लोगों को, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर के प्रिपरेशन में टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन विथ वीडियोस एंड अलोंग विथ टॉपिक बाय टॉपिक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, PYQs ऑफ पास्ट 20 इयर्स एंड ऑफ कोर्स योर अचीवर लेवल ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम लेवल, हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, नीट के लिए हो जाए, जेई के लिए हो जाए, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए हो जाए विद प्रॉपर सॉल्यूशंस एंड आंसर कीज, तो वेदांतो तत्व का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर 11, 12 दोनों किताबों को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 3,399 रुपए पर मेरा कूपन कोड AK पर अप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप ले रहे हो आज के आज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंडल दिस अभिषेक साइनिंग आउट, प्लीज पीपल ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास 12th रिलेटेड, टू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, डिमांड जैसे आएगी आपकी सप्लाई कर लेंगे।